नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बिना दवाई और पट्टियों के कैसे होगा प्राथमिक उपचार? जब प्राथमिक उपचार ही नहीं हो रहा तो गंभीर बीमारियों का कैसे होगा उपचार? डॉक्टर नहीं रहते उपस्थित, दवाइयाँ पड़े पड़े ही हो जाती है एक्सपायर। लापरवाही के कारण सरकार के लाखों रुपए हो जाते हैं बर्बाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शासकीय पशु चिकित्सालय सिरोंज जिला विदिशा। ये पशु चिकित्सालय कम और कत्ल खाना ज़्यादा लगता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम इसको कत्ल खाना कहें, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई पशु आता है तो उसका प्राथमिक उपचार भी उसको मिलना मुश्किल है। इसलिए हम अगर इसको पशु चिकित्सालय ना कहकर कत्ल खाना कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पशु चिकित्सालय के पास ही रहने वाले जो निवास करने वाले यहाँ पर दुकानदार हैं, जो दुकान यहाँ पर चलाते हैं, उन लोगों से भी हम जानकारी लेंगे कि क्या हालत यहाँ पर पशु चिकित्सालय की है और अगर यहाँ पर कोई पशु आता है तो उसका किस तरह से इलाज किया जाता है। बताइए, यहाँ पर पशु चिकित्सालय की क्या हालत है? पशु चिकित्सालय की डॉक्टर यहाँ पर मिलते नहीं, एक दो मिलते हैं, कहीं पर मिल गए तो बस कोई नहीं है। रात के हॉस्पिटल एक बार रात को ताला खोल लेते हैं, चाबी खोल लेते हैं, चाबी की लापरवाही है। ना कोई ताला वाला है, ना कोई जिम्मेदार है यहाँ का हॉस्पिटल गेट का, ना कोई है। बस दिल चाहे जिसने ताला चाबी खोल ली, ताला खोल लिया। तो चाबी किसके पास रहती है? चाबी ये दुकान पे रहती है, यहाँ पर दिल चाहे जाया ताला खोला, कोई मतलब नहीं। सरकारी चीज़ है क्या रखना अंदर, सबकी गाड़ी खड़ी हुई, कोई मतलब नहीं करता कोई किसी को, मतलब सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। यदि कोई मरीज, यदि कोई पशु यहाँ पर आता है तो उसका उपचार यहाँ होता ही नहीं? फोन लगा के बुलाया जाता है तो बड़ी मुश्किल से आते हैं, यहाँ पर कोई मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद उपचार करते हैं? हाँ, आने के बाद करते हैं, बिल्कुल सही है, करते हैं जी। तो आपने अभी बताया था कि उनके लिए कॉटन वगैरह रुई वगैरह की व्यवस्था भी नहीं? वो भी नहीं, हाँ रुई वगैरह वो भी नहीं है। समस्या थी भैया, कल ये बछड़ा आया था एक आमाढाना ग्राम से, तो इसका पीठ जली हुई थी, किसी ने गर्म पानी डाल दिया था और इसके सींगों के दर रस्सी बंधी थी, तो बहुत घाय हो गए थे, कीड़े पड़ रहे थे बहुत बड़े बड़े। तो मेरे द्वारा डॉक्टर साहब से बोला गया सर इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो उन्होंने सोहेल एक कंपाउंडर है उससे बोल दिया कि आप देख लो, और वो उठ के नहीं आए देखने के लिए। तो फिर उनसे बोला कि दवाई वगैरह दे दो, कुछ पट्टी वगैरह दे दो, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास नहीं, आप बाज़ार से खरीद लाओ, हम करवा देंगे उससे सोहेल से। तो फिर मैं बाजार से खरीद के लाया, फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। तो किसके द्वारा किया गया था ये, आपको बाजार से सामान लिया? ये मेरे से महेश्वरी जी ने भी कहा है कि हमारे पास कोई दवाई पट्टियाँ वगैरह नहीं है, और चार पाँच दिन पहले जो अपने यहाँ के प्रभारी हैं ये पशु हॉस्पिटल के उपाध्याय जी, उन्होंने भी बोला था कि हमारे पास कोई दवाई पट्टियाँ नहीं है। अब क्या कंडीशन थी कल लेके आए थे और आज क्या कंडीशन है? बहुत अच्छी, आज तो बहुत अच्छा सुधार है उसमें, और ये अपनी समिति है सुधा सागर गौशाला, इन्होंने शाम को भी मैंने इनको बताया तो इनकी पूरी टीम आई यहाँ पे और बहुत अच्छे से उपचार किए इन लोगों ने, तो आज उसमें बहुत ज़्यादा सुधार है। आज वो खड़ा हुआ आप देख सकते हैं, वो खड़ा हुआ है और कल पूरा आड़ा पड़ा था। हमने फेसबुक पर ने आशीष भैया ने लाइव चलाया कि एक पशु को हम लेकर आए बैटरी हॉस्पिटल में और यहाँ कोई हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, तो हमारे विद्यासागर गौशाला की टीम यहाँ आकर उसका इलाज किया। रात को करीब 9:30-10 बजे हम लोग यहाँ आए, उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो मरणासन्न हालत में थी, और यहाँ अगर ऐसा पशु आता है तो कम से कम इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। वेटनरी हॉस्पिटल में हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिला है और इनको बोलने के बाद भी ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं और बताते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, आप बाज़ार से ले आओ हम इलाज कर देंगे। जी क्या हालत है गाय की? अभी आप खुद देख सकते हैं कि वो कल मरणासन हालत में थी और आज खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई है। आपके द्वारा कभी संबंध में किसी शिकायत वगैरह की गई है क्या डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरती है? नहीं, अभी ये हमारे सामने पहली बार ऐसा आया है, और लोग बताते हैं कि पहले भी ऐसी स्थिति हुई है कि ये लोग सामग्री नहीं देते हैं और फिर सिर्फ अपनी तनख्वाह बना रहे हैं बैठ करके। तो ये लापरवाही है पूरी तरह से? बिल्कुल लापरवाही है, और इसके लिए ऊपर तक शिकायत होना चाहिए और मीडिया के माध्यम से भी ये सारी जगह फैलना चाहिए कि यहाँ की स्थिति ये है, और देश में पशु चिकित्सक की स्थितियाँ यही हैं, यही हॉस्पिटलों के हाल हैं।
आप व्यवस्थाएं तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो हम तो रोज आते हैं और हमारे एक मित्र हैं आशीष रघुवंशी जी, वो भी आते हैं हमारे साथ। गायों को घास डालने की व्यवस्था उनकी रहती है, लेकिन दवाई पट्टी इलाज जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका कोई इलाज तो है नहीं है। एक बच्चा पड़ा है आज से 15-20 दिन हो गए, उसको एक दिन हमने पट्टी कराई थी आज से 8 दिन पहले, वो पट्टी आज भी लगी हुई होगी। और हमने बाज़ार से चूना जर्दा ला के उसके अंदर भरा, दवाई थी नहीं। हमने कंप्यूटर से बोला कि भाई इसकी दवाई ववाई कुछ, कह दवाई है नहीं है, कपड़े की पट्टी के लिए कपड़े की पट्टी भी नहीं है। फिर वो आशीष भैया गए, उसको लेके आए, पट्टी लगाई। और मैंने ये बात फेसबुक पर भी डाली थी मेरे मोबाइल पर, और हमने वीडियो भी बनाई थी इसकी, जर्दा चूना भरते हुए आज से होगा 4-5 दिन पहले की बात है। तो इसकी कोई देख रेख तो होती नहीं है, अपन कह दो तो थोड़ा बहुत कर देते हैं, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अव्यवस्था कोई भी चीज़ों की सुविधा यहाँ पर नहीं, कोई दवाई नहीं है, पट्टी नहीं है कपड़े की, तो फिर क्या इलाज होगा बताओ आप? जब कपड़े की पट्टी अस्पताल के अंदर नहीं है तो फिर उसका इलाज क्या होगा? रात में उपचार की व्यवस्था कोई, रात को तो कभी कोई फ़ोन नहीं उठाता, अपन कभी फ़ोन उठाएं तो फ़ोन नहीं उठाता कोई, कभी दिन में लगा दिन में नहीं उठाता फ़ोन, ये समस्या आया था। यही वो गाय है जिसके ऊपर किसी ने तेल डाल दिया था और वह जल गई थी। कल यहाँ पर यह लाई गई थी और इस गाय का उपचार करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बोल दिया था कि हमारे पास ना ही कोई बैंडेड है, ना हमारे पास रुई है, कॉटन है, ना कुछ है, आप बाज़ार से लेकर आइए, उसके बाद हम इसका इलाज कर देंगे। गौशाला की टीम ने आकर इसका यहाँ पर उपचार किया है। आप देख सकते हैं इस गौशाला की हालत या चिकित्सालय की हालत किस तरह की हालत है, थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ दिखाएँ आप, कितनी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, चारों तरफ गंदगी का ढेर है। और गंदगी का आलम आप देख सकते हैं किस तरह का गंदगी का आलम है, आप देखिए यहाँ पर, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर पूरा लुक यहाँ पर दिखाएं, देखिए यहाँ पर दवाइयों की क्या हालत है। पशु उपचार स्थल देखिए, न जाने कहाँ कहाँ के ये बोर्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको कहीं लगना चाहिए था, इन दवाइयों को यूज़ होना चाहिए था, लेकिन वे दवाइयाँ ना अभी तक यूज़ हुई हैं ना ये बोर्ड लगे हुए हैं। ये पशु उपचार स्थल करई खेड़ा, पशु उपचार स्थल सुल्तानपुर, कई जगह के यहाँ पर बोर्ड पड़े हुए हैं। ये देखिए आप मेडिसिन की हालत देखिए, किस तरह की मेडिसिन यहाँ हो रही है, ये सारी एक्सपायरी मेडिसिन है, ये वैक्सीन है, देखिए वैक्सीन यहाँ पर पड़ी एक्सपायर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की हालत यहाँ पर डॉक्टरों ने बना रखी है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यदि कोई पशु यहाँ पर गंभीर हालत में आ जाता है तो उसका उपचार कैसे होगा, ये विचारणीय विषय है। देख सकते हैं आप सीरीज की हालत देखिए, ये सारी सीरीज हैं, ये देखिए हजारों हजारों लाखों लाख रुपए की दवाइयाँ यहाँ पर नष्ट हो रही हैं। सरकार पशुओं के लिए इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अब्दुल कबीर साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।